से हर साल 700-800 पोस्ट निकलती हैं, तो इंक्रीज करते जाएंगे अपने आप ही खत्म हो जाएगी पढ़ाई लिखाई। जो पढ़े लिखे सिस्टम में बैठे ही नहीं है, जो सरकार के पिट्टू है, चिंटू है, पप्पू हैं, वो जाएंगे वहाँ पे, जो चाहेंगे वही करेंगे, वही तो हो रहा है देश में। पढ़ाई लिखाई का खत्म कर दो। अब गोपर मूत्र की बात क्यों हो रही है? इसीलिए तो हो रही है ना कि जागे ताना सही कर लो, मार लो गोली, जला दो ना। तो सर प्यार से बात करते हैं। गैस चैम्बर हिटलर वाला काम फासिज्म लागू कर दो, इसमें क्या दिक्कत है? एक तो धीरे धीरे फासिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं? दूसरी बात, अगर फिर भी कसर है तो जला दो, जिंदा जला दो, एक बम फेंक दो किसानों पे। बोला ना आर्टिकल 19 हमारे संविधान का गारंटी देता है, उसके अंडर प्रोटेस्ट करें। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाच से काम क्यों नहीं लेती आप? जी वो मगर ये सब क्या है? आप मेरा नाम क्यों नहीं लेती? नाम क्यों नहीं लेती? मोदी मीडिया है, मार लो गोली, ऐसे मर रहे ना। मोदी मीडिया हो और खरीद लिया बंडल में 2 करोड़ को, हमारी बात करेंगे, समझ रहे हो ना? तो मीडिया जो चाहे वो कर सकती है जी। सलवारी जीवे हो, सरकार ने उनका वो किया प्रमोशन सर, लाइव चलाया डीडी नेशनल। मैं वही बोल रहा हूँ, अगर किसी देश किसी दूसरे देश में होता ना वो सलवारी बाबा, हाँ। तो जेल में होता, आतंकवादी चार्ज होते, फांसी होती उसको। इस देश में पढ़ाई लिखाई को, किताब को खत्म किया जा रहा है। लिटरल एंट्री क्या बोलती है कि जो बैकडोर से लेके आएंगे, पिछले वाले रास्ते थे अपने, जो कितन की नियर डी है ना सरकारों के, उनको लेके आया जाएगा। उदाहरण के तौर पर पिछले साल 10 लिटरल एंट्री के 10 पोस्ट थी। आज देश में नेतागिरी घूम बन के घूम रही है, कौन हो? उनसे 75 में इमरजेंसी लगे थे, जेलों में पड़े थे, ये आंदोलन जीवी है। एक आदमी है क्या ये? एक आदमी है, पूरे देश का किसान खड़ा है, एक आदमी खड़ा है क्या? क्या कहना है कि सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम जयदीप है और हरियाणा सोनीपत का रहने वाला हूँ, किसान की फसल में जी। अच्छा, आप करते क्या है सर पढ़ाई में? पढ़ाई करते हैं, काम की बात करते हैं। अच्छा, वो पर्सनल चीज है ना, मैं क्यों बताऊँ? दूसरी बात, हाँ, मैं मोदी थोड़ा ना कि कम अपनी माँ से मिलने जाऊंगा कैमरा लेके, समझ रहे हो ना? मेरी पर्सनल चीज है, मेरी पर्सनल है, यहाँ पर किसान की बात हो रही है, किसान की बात। अच्छा, किसान के मुद्दे पे आते हैं, आज दिशा की गिरफ्तारी पे आप क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो हमारा देश इतना कमजोर नहीं है कि किसी एक्टिविट से खतरे में आ जाएगा, समझ रहे हो ना? दूसरी बात, जो 7 समुंदर पार जो लेडीज हैं, जो रिहाना है, मियां खलीफा, उन्होंने बोला कि देश खतरे में है, संविधान खतरे में है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा, तो उन्होंने उसको नहीं छोड़ा, तो हमें कैसे छोड़ देंगे? जिस आदमी ने बाहर वालों को नहीं छोड़ा, दिल्ली पुलिस ने FIR काटी थी उस पे, बाहर वालों को नहीं छोड़ा, अंदर वालों कैसे छोड़ेंगे? डिसेंट क्या होती है? डायलॉग डिबेट एंड डिसेंट डेमोक्रेसी होती है। डायलॉग डिबेट क्या आपने पता कैसे पास हुए थे? पीछे वाले रास्ते से लेके आए थे कानून को, जब लॉकडाउन लगा होता ना, पार्लियामेंट सेशन में नहीं था, कर्फ्यू जैसे हालात थे, कोई भी सवाल नहीं पूछ सकता था क्योंकि घरों में बंद थे सब। उस टाइम बैकडोर से लेके आए ऑर्डिनेंस के थ्रू, फिर राज्यसभा में पास कैसे किया? पार्लियामेंट क्या होता है? डिबेट डिस्कशन होता है, कोई भी कानून बिल होता है ना, उसमें पूरा प्रॉपर डिस्कशन होता है, वो किया ही नहीं। स्टैंडिंग कमेटी होती है, डिस्कशन की बात कर रहे हैं, जनता से डिस्कशन, कानून जनता से डिस्कशन करके बनता है। जनता अपना अनुमंदा चुन के भेजती है, हम वोट देते हैं सरकार को, किसको देते हैं? MLMP को। कानून आपसे पूछे वाले, मैं सुन तो ले बता रहा हूं मैं, पार्लियामेंट में हमारे नुमाइंदे जाते हैं ना, पार्लियामेंट में हमारे नुमाइंदे जाते हैं ना, इधर देखना भाई, तो वहां पे बात हुई नहीं हुई, मैं वही बोल रहा हूँ, वहाँ पे डिबेट डिस्कशन हुआ। एक स्टैंडिंग कमेटी होती है, सिलेक्ट कमेटी होती है, वहाँ पे कमेटी होती है, बनाई जाती हूँ, सब बहुत सारे MP को चुन के कि डिबेट डिस्कशन हुआ अच्छी तरह से, एक उस पर बात पे जाया जाएगा, और वहाँ पे पूरे देश के MP होते हैं, एक केरला का भी होता है, एक जम्मू कश्मीर का होता है, वो बताते हैं कि वो तो कह रहे ना, एक्सपर्ट की राय लेकर कानून बनाया गया। एक्सपर्ट को हमने वोट दी थी क्या? आप पूछे था, सरकार को वोट दी थी ना एक्सपर्ट को वोट? आपके पास सरकार तो नहीं, मोदी जी तो पूछ रहे नहीं आएंगे, किसको आएंगे भाई साहब? किसान को तो मोदी जी नहीं आएंगे ना, सब एक एक करके पूछ रहे कार में, चलो बनाओ या ना बनाओ, वो तो एक आदमी है क्या ये? एक आदमी है, पूरे देश का किसान खड़ा है, एक आदमी खड़ा है क्या? क्या कहना है कि सारे लोग से थोड़ी पूछ सकते हैं? मैं वही बोल रहा हूँ, तो किसे पूछेंगे? डेमोक्रेसी क्या होती है? पीपल्स गवर्नमेंट है। अगर 99% आदमी अगर किसी चीज के पक्ष में है, एक आदमी उसके खिलाफ में, एक आदमी को समझाना पड़ेगा, ये डेमोक्रेसी है। वो कह रहे गुट है, ये थोड़ा सा छोटा सा गुट है ये। आंदोलन जी भी बता दिया सर आपको, आंदोलन जी भी बता दिया, देश को आजादी कैसी मिली? आंदोलन से मिली है। कोई भी आंदोलन उठा के देख लो, ऐसे आंदोलन, सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह है, दांडी मार्च है, क्विट इंडिया मूवमेंट, क्या आंदोलन जी हुए? भगत सिंह क्या थे? आंदोलनकारी थे, सुभाष चंद्र बोस सब तो आंदोलनकारी थे ना। सुन लेना मेरी बात, एक बार सुन लेना मेरी बात, जो आज देश में नेतागिरी घूम बन के घूम रही है, कौन हो? उनसे 75 में इमरजेंसी लगी थी, जेलों में पड़े थे, ये आंदोलन जीवी है। आंदोलन से निकले ना, मंडल कमीशन है, 2011 का अंदर आंदोलन है, आंदोलन करेंगे। दूसरी बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर हम आंदोलन जी तो मौका किसने दिया है? आपने कुछ गलत पास किया तभी तो आंदोलन कर रहे हैं ना, आपने मौका दिया है, समझ लो। और तीसरी बात, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 19 हमारे संविधान का गारंटी देता है राइट टू प्रोटेस्ट की। अगर आप में दम है तो उसको हटा दो, आप नहीं आएंगे, तनसाई करो ना, हटा दो आर्टिकल को। आपने
हमें आजादी नहीं दी है, संविधान ने गारंटी दिया है आजादी दी है, तब यहाँ पे खड़े हैं हम। तो संविधान को तो मानती है ना वो सरकार, कहाँ मान रही है, 2000 पिछले साल सेक्युलरिज्म क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र 2019 में क्या लेके आए सीएनआरसी, क्या बोला कि मुस्लिम को राष्ट्र नागरिकता नहीं मिले, क्यों नहीं मिलेगी, स्टेट का कोई रिलीजन हो क्या, धर्म होता क्या, सरकार का कोई धर्म है क्या, संविधान में आंदोलन तो वो भी के, लेकिन अमित शाह कह रहे डंके की चोट पे सीए लागू होगा, क्या हुआ आंदोलन का हल कुछ निकला तो खड़े होंगे ना दोबारा, वही तो बात था ना, सही कहते लाइन लगा रहा कि वही बोल रहा हूँ ना, चुप बैठ जाएगा, पिछले साल नहीं माने तो अब फिर ले आए किसान को, तो आप क्या कहना चाहते, हम चुप बैठ जाए। अच्छा जयदीप जी, मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, आप एक एक सवाल पूछो यार, यूपीएससी की आप तैयारी कर रहे हैं, लेटरल एंट्री पे आज प्रोटेस्ट हुआ, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, आप मुझे बताइए यूपीएससी में सेलेक्ट कैसे बनता है ये कोई भी जी, सालों की मेहनत होती है, कम से कम 2 साल की, बिल्कुल सर, और सालों की मेहनत तब जाके मुश्किल से पाला पड़ता है, कोई क्लियर करता है, पढ़े लिखे होते हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल, एक एक किताब हर चीज के बारे में, बिल्कुल बिल्कुल, इस देश में पढ़ाई लिखाई को किताब को खत्म किया जा रहा है, लिटरल एंट्री क्या बोलती है कि जो बैकडोर से लेके आएंगे, पिछले वाले रास्ते थे अपने जो कितन की ना नियर डी है ना सरकारों के, उनको लेके आया जाएगा उड़ान के तौर पर, पिछले साल 10 लेटरल एंट्री के 10 पोस्ट थी, पढ़ाई लिखाई का खत्म कर दो, अब गोबर मूत्र की बात क्यों हो रही है, इसीलिए तो हो रही है ना कि जागे रखो ना गोबर, एलोपैथी वाले साइंटिस्ट होते हैं, सालों की मेहनत होती है, रिसर्च होती है, कोरोना की दवाई किसने बनाई है, गोबर मूत्र से बनी है या साइंटिस्ट ने बनाई है, उसमें मनोज तिवारी के भाई को लेके आए थे वो जी, समझ रहे हो, बिल्कुल, जो अपने नियर एंड डियर उनको लिया जाए, अब पिछले साल क्या बोला था हम खत्म कर देंगे आराम आराम से, अब की साल अब की बार उसको इंक्रीज कर दिया 30 पोस्ट कर दिए वो, अच्छा समझ रहे हो ना, वो बढ़ा रहे हैं ऐसे ऐसे, पढ़ाई लिखाई का खत्म कर दो, अब गोबर मूत्र की बात क्यों हो रही है, इसीलिए तो हो रही है ना कि जागे रखो ना गोबर, एलोपैथी वाले साइंटिस्ट होते हैं, सालों की मेहनत होती है, रिसर्च होती है, कोरोना की दवाई किसने बनाई है, गोबर मूत्र से बनी है या साइंटिस्ट ने बनाई है, बनाई है ना, बाबा रामदेव ने भी तो बनाई थी ना कोरोना, तो कहाँ फिर वो सलवारी जी है, सरकार ने उनका वो किया प्रमोशन सर, लाइव चलाया डीडी ने, मैं वही बोल रहा हूँ, अगर किसी देश किसी दूसरे देश में होता ना वो सलवारी बाबा तो जेल में होता, आतंकवादी चार्ज होते, फांसी होती उसको, क्योंकि पूरे देश की मिट्टी पटवा दी उसने, देश को झूठा बनवा दिया, क्यों बनवा दिया, सबसे पहले आगे बोल दिया कि मेरे पास दुआई है, कहाँ है फिर वो है, तो समझ रहे हो ना, क्लिनिकल ट्रायल होते पूरे 3-4 फेज के, वो पूरे नहीं हुए थे, पहले आगे बोल दिया, हमें तो जो कोवैक्सीन कोविशील्ड आई ना, कोवैक्सीन तो ठीक है थोड़ी बहुत, लेकिन कोविशील्ड चलाया था ना, उन्होंने कहा था कि शर्म दहशत झिझक परेशानी नाच से काम क्यों नहीं लेती आप जी वो मगर ये सब क्या है, आप मेरा नाम क्यों नहीं लेती, नाम क्यों नहीं लेती, मोदी मीडिया है, मार लो गोली ऐसे मर रहे ना, मोदी मीडिया हो और खरीद लिया बंडल में 2 करोड़ को हाथ लिया, हमारी बात करेंगे, समझ रहे हो ना, तो मीडिया जो चाहे वो कर सकती है जी, डेमोक्रेसी के मैंने पहले बार बार बोलता, डेमोक्रेसी के 3 स्तंभ होते हैं, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव मीडिया और सॉरी जी जुडिशरी, चौथा होता मीडिया, जब तीनों काम करे मीडिया उसके बारे में बताती है, समझ रहे हो, तो मीडिया को खरीद लो, गलत ठीक करो, जो कुछ भी करो सही बताएंगे सर, आप लोगों की वजह से नीति आयोग के अध्यक्ष ने बयान दिया था कि डेमोक्रेसी हमारे देश में बहुत ज्यादा हो गई है सर, आप लोग इतने ज्यादा हो गए, आंदोलनजीवी इतने ज्यादा हो गए कि डेमोक्रेसी का आप लोगों ने अलग ही इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, तो फिर क्यों 5 छोटी छोटी बातों पे आप लोग उतर जाते नहीं, अगर ज्यादा होगी तो तानाशाही कर लो, मार लो गोली, जला दो ना, तो सर प्यार से बात कर, गैस चैम्बर हिटलर वाला काम फासिज्म लागू कर दो, इसमें क्या दिक्कत है, एक तो धीरे धीरे फासिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, दूसरी बात अगर फिर भी कसर है तो जला दो, जिंदा जला दो, एक बम फेंक दो किसानों पे, बोला ना आर्टिकल 19 हमारे संविधान का गारंटी देता है, उसके अंडर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, शौक थोड़ा ना बैठने का, और इतनी ठंड में मर रहे हैं किसान, एक बाबा राम सिंह जी ने तो गोली मार ली अपने आपको खुद को सुसाइड करके, समझ रहे हो बात को, जी, जी, जी। तो वो बोल रहा हूँ ना मैं, तानाशाही लागू कर दो ना, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं भाई साहब, इन्होंने लाइन लगा रखी है, लाइन कैसे 2018 में भीमा कोरेगांव को केस हुआ था, अब वाशिंगटन पोस्ट की खबर आती है, वो बोल दे कि सब कुछ प्री प्लांट था, मतलब कंप्यूटर को हैक करके वहाँ प्लांट किया गया था, सबूत प्लांट किए गए, समझ रहे हो ना, वो झूठा है बात, उनसे 2019 में सीएनआरसी, 2020 में किसान आंदोलन, 3 साल और बचे हैं, 3 साल में किसी और को लपेटेंगे, लाइन लगा रखी है, 26 को आपने जो कुछ किया वो आप देख ही रहे, लेकिन अब रेल जाम कर रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, ये तरीका सही है, इस रास्ते पे जाना उचित है, रेल कहाँ है, चल रही है किस देश में, रेल चल रही है, स्पेशल चल वो रही है जो पूंजीपतियों के लिए माल ढुलाई की चल रही है, क्योंकि वो पूंजीपतियों का लेवा दही होती है ना, माल ढुलाई का काम होता है, किसानों के लेने चल रही है, क्या बात करे हो भाई साहब, देश को लूटने का क्या बात, गरीब ट्रेन में कौन चलता है, पूंजीपति चलता है, उद्योगपति चलता है, ब्यूरोक्रेट कौन चलता है, गरीब आदमी चलता है, इस देश में जब कोरोना आया कहां से आया था, विदेश से आया था, जहाज में बैठ के आया था कि नहीं आया था, सबसे पहले जहाज को चलाया,
क्योंकि प्रेशर था ना पूंजीपतियों का, चला इसको, मुझे बिजनेस करना बाहर जाना है, लेकिन रेल को बंद किया था, आज तक चला ही हो तो बता दो क्यों नहीं, क्योंकि गरीब चलता है उसमें।